जिस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। रविंद्र जडेजा को नया कप्तान नियुक्त कर दिया है। जाहिर सी बात है, इतनी तो पावर थी धोनी के पास कि वो अपनी मर्जी से चेन्नई का अगला कप्तान चुन सके। उन्होंने रविंद्र जडेजा को चुन लिया है। इसके संकेत पहले बिल्कुल नहीं मिले थे, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि MS धोनी ने इतना बड़ा फैसला लिया, कप्तानी छोड़ी और जडेजा को दे दी। जाहिर सी बात है, धोनी ने एक बहुत ही बड़ा अपने फैंस को, चेन्नई सुपर किंग्स के चाहने वालों को, IPL के चाहने वालों को एक सिग्नल दे दिया है कि ये उनका आखिरी सीज़न है। बेशक धोनी बताए ना, लेकिन धोनी जो करते हैं सबको चौंका देते हैं, कुछ भी अनाउंस नहीं करते और अचानक से फैसला ले लेते हैं। जडेजा को कप्तान बनाना ये दिखाता है कि वो ग्राउंड पर रहकर जडेजा को ऐसा कैप्टन ग्रूम करना चाहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और अगले सीज़न में वो टीम मैनेजमेंट में दिखाई देंगे और ग्राउंड के बाहर से जडेजा की कप्तानी को मॉनिटर करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी कप्तान को ग्रूम होने के लिए अगर MS धोनी फील्ड पर हैं तो इससे अच्छी उसके लिए सिचुएशन हो ही नहीं सकती ग्रूम होने के लिए। पहले माना जाता था कि सुरेश रैना अगले कप्तान होंगे, लेकिन सुरेश रैना का करियर ऑलमोस्ट ओवर है, उनकी फॉर्म ने साथ नहीं दिया पिछले 2 सालों से, और यही कारण है रैना इस बार IPL भी नहीं खेल रहे और वो हिंदी कमेंट्री में नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।